वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, अभी आज फादर्स डे है और फादर्स डे के ही रात को हम लोग अभी पैम्परिंग चल रही है हमारी, खुद को हम लोग पैम्पर कर रहे हैं और ये शीट मास्क लगाने वाले हैं। तो मैं इनको शीट मास्क लगा के देने वाली हूँ। ये एक पर्पल का और एक गुड वाइब्स का मैं लगाने वाली हूँ। ये है पर्पल का, ये पर्पल का शीट मास्क लगाएंगे और मैं गुड वाइब्स का लगाऊंगी। तो ये है पर्पल का कीप कैम एंड एक्सफोलिएट शीट मास्क, जो ये बाहर जाते हैं डर्ट वगैरह रहती है इनके फेस पे या जो धूल मिट्टी जमा हो जाती है, तो इसके लिए मैं ये चारकोल शीट मास्क इनके लिए यूज करने वाली हूँ। अभी ये पर्पल का एक्सफोलिएट चारकोल शीट मास्क जो इनकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा और उसके बाद डर्ट वगैरह खींच लेगा। तो आपको तो पता ही है चारकोल किस चीज के लिए माना जाता है। और उसके बाद मैं यूज करने वाली हूँ ये गुड वाइब्स का लोटस शीट मास्क, जो ऑयल कंट्रोल शीट मास्क है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है और बहुत ऑयल क्रीज करती रहती है, तो इसी वजह से मैं ये ऑयल कंट्रोल शीट मास्क यूज करने वाली हूँ। चलिए अभी इन्हें अप्लाई करके देती हूँ ये, और ये रिलैक्स करेंगे और मैं भी रिलैक्स करूंगी लगा के। वो भी आज का फादर डे। हाँ, आज का फादर डे है तो ये सेवा चल रही है, सेवा चल रही है पति देव की। ये देखो ब्लैक शीट मास्क है, ये एक्सफोलिएट, सॉरी, इसमें जो सीरम रहता है ना, इतना भर भर के सीरम रहता है बहुत दिन। सॉरी, ये देखो सीरम हेलो कपड़े पे लग रहा है। अद्विक अद्विक साइड में हो जाओ बेटा, अद्विक साइड में हो जाओ। कितने क्यूट लग रहे पापा, हाँ चलो फिर एक फोटो खींच लेना। जैसे हूँ वैसे रहना तुमसे, बस यही कहना, हिलना ना डुलना ना चुप ही बैठना। तो गाइज, अभी पर्पल पे 22 जून से 27th ऑफ जून तक पर्पल ब्यूटी कार्निवल सेल चल रहा है, तो अप टू 50% ऑफ आपको मिल सकता है उसमें, और आईफोन भी जितने का चांस मिल सकता है आपको अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो तो। और वाव के प्रोडक्ट पे फ्लैट 40% ऑफ ऑन 399 रुपीज़, और गुड वाइफ के स्ट्रे कॉर्की के एल्प्स गुडनेस के एन वाई बेब के, तो इनके प्रोडक्ट पे फ्लैट 30% ऑफ है, और मेबेलिन के प्रोडक्ट पे 40% ऑफ है, अप टू 40% ऑफ। तो इस सेल का फायदा उठाइए और आपको जो भी परचेस करना है आप इस सेल में परचेस कर सकते हो। डील बहुत अच्छी मिल रही है आपको, उस डील का फायदा उठाइए और परचेस करिए। और हाँ, ये जो शीट मास्क है अगर आपको परचेस करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपके लिए। मेरा कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा GET100, उससे आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। ये देखिए, आपने बोला था ना कि बड़ा पतीला यूज़ करना, तो इसी वजह से मैंने अभी बड़ा पतीला लिया है, और आजकल 2-3 दिन हो गए मैं बड़ा पतीले में ही दूध गर्म कर रही हूँ। और सच में यार, लो फ्लेम पे रख रही हूँ ना तो बिल्कुल दूध ऊपर नहीं जा रहा है, तो आपकी ट्रिक काम कर गई। ऐसे ही कमेंट किया करो, ऐसे ही कमेंट करके कुछ ना कुछ बताया करो, आपके टिप्स एंड ट्रिक्स बताया करो, और मेरे पास जो है वो तो मैं आपके साथ शेयर करती ही रहती हूँ। और बस यहाँ पर ले रही हूँ एप्पल साइडर विनेगर, गर्म पानी में थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लेना है और उसमें एप्पल साइडर विनेगर 1 चम्मच डाल देना है, और वो आप खाली पेट ले सकते हो फैट लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए, और डाइजेशन अच्छा रखने के लिए। तो ये मैं आजकल ले रही हूँ, मतलब बहुत दिनों से लेती हूँ, बट बीच बीच में बंद कर देती हूँ, तो ऐसे ही करती हूँ हमेशा मैं। मतलब ज़्यादा ही मुझ पे बर्डन आ जाता है ना, ज़्यादा ही काम का लोड हो जाता है ना, तो फिर मैं अपने ऊपर ध्यान देना भूल जाती हूँ, और मैं एक नहीं करती हूँ। मतलब जैसे कि मैंने जीरा पानी लिया तो जीरा पानी ही नहीं लूँगी मैं, नहीं तो वो आपके लिए वर्क नहीं करता है। कुछ दिनों के बाद मैं एक हफ्ता कुछ लेती हूँ, मतलब अलग अलग चेंज करती रहती हूँ, तो इसी वजह से अभी एक हफ्ता मैं ये एप्पल साइडर विनेगर लूँगी। और लास्ट में ना एक माइका और एक प्लाई की शीट कम पड़ गई थी, तो मतलब ये जो शू रैक बन रही है यहाँ पे उसके लिए कम पड़ गई थी, तो इसी वजह से ये मंगाई है, तो ये आ गई है यहाँ पे आज, और फिर काम शुरू होगा। और उसके बाद यहाँ पर ना चल रहा है ये
मेरे रूम के हेडबोर्ड का काम तो आपको तो बता ही था मैंने कि इसके बाद मेरे रूम के हेडबोर्ड का काम चलेगा। तो यहाँ पर ये वाला जो मतलब पर्ल कलर का कपड़ा जो है वो मैंने अपने रूम के लिए सिलेक्ट किया था, और आप देख ही लेना बनने के बाद कैसा दिखता है। तो बस यहाँ पर वही काम चल रहा है, आप देखो अभी ये टुकड़े टुकड़े काट के रखे हैं, इसके फोम तो पहले ही लग गए थे, कल के ब्लॉग में आपने देख ही लिया है इसका फोम लग गया था, उसके बाद अभी ये टुकड़े काट के रखे हैं, बाद में इन टुकड़ों को हेडबोर्ड पर जोड़ना पड़ेगा। ये देखो गाइज, ये मेरी बेडरूम का जो हेडबोर्ड है इस तरह से बना है, और जो बीच वाली पट्टी आपको दिख रही है ना खाली वाली, उसमें एक इंच की दूसरी मतलब डार्क कलर का कपड़ा लगेगा, जो लेदर है वो डार्क कलर का लगेगा। तो वो अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें डार्क कलर का लेदर लगाया हुआ है, बट अभी नहीं लगाया हुआ है, वो पट्टी है खाली लकड़ी की। मैं आपको दिखा देती हूँ पास से, ये देखो खाली लकड़िया है, बट अभी वही लगाना है, वो कल करेंगे काम, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं था उनके पास, तो अभी चले गए हैं वो काम करके। और ये जो मैट्रेस है ये तो आपको दिखाई हुई है मैंने, बच्चों की रूम की है, और यहाँ की मैट्रेस नीचे है मेरे वाले रूम में, तो वो यहाँ पर ऊपर लानी है, और ये हेडबोर्ड कल बन जाएगा पूरा का पूरा। और पूरा बनने के बाद कैसा लुक आएगा वो आपको दिखाई दूंगी, बट अभी से कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए और जल्दी से बताइए मुझे कैसा लग रहा है अभी। और ये तो आपने देख ही लिया है सब कुछ, जो न्यू ज्वाइन हुए हैं उन्होंने नहीं देखा होगा तो मैं आपको दिखा दूँ, ये ड्रॉर्स है जो मेरे स्किन केयर मेकअप रखने के लिए है, उसके बाद ये है ड्रेसिंग टेबल, उसके बाद ये हेडबोर्ड है, ये है वार्डरोब, यहाँ पर ग्लास लगने के हैं, ये ग्लास ला के रख दिए हैं, ये ग्लास भी लगेंगे, और ये पूरा वार्डरोब। तो ये तो आपको सब कुछ दिखाई दूंगी कि बेड कैसा है और क्या क्या है, सब कुछ आपको बाद में देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये अभी का फिलहाल आप देख लीजिए, आपको कपड़े का और डिज़ाइन का अंदाज़ा तो आ ही गया है अभी, और बस बनने के बाद का लुक तो आपको कल देखने के लिए मिलेगा, मतलब कल के ब्लॉग में। और ये तो बच्चों के रूम वाला आपने कल देखा ही है, बट फिर से देख लीजिए, जो जो न्यू ज्वाइन हुआ है उनको नहीं पता होगा तो फिर से देख लीजिए आप। ये है बच्चों के रूम का हेडबोर्ड, और वो वाला मेरे रूम का हेडबोर्ड, और ये बच्चों के बेड्स। सॉरी, आपसे बात ही नहीं करना हुआ कैमरा पे आके। तो चलिए अभी डिनर बनाने का टाइम है, तो डिनर में आज बनने वाली है अंडा करी, तो चलिए अंडे बॉईल कर लेती हूँ, एग्स बॉईल कर लेती हूँ, उसके बाद हमें उसे फ्राई करना है। चलिए जल्दी से बनाती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। जो मैंने आपको दिखाई थी ये मूंगफली भून रही हूँ, इसका या तो मैं मूंगफली के लड्डू बना लूँगी, नहीं तो मैं चटनी बना लूँगी, इतनी ज़्यादा चटनी तो कोई खाएगा नहीं, बट देखती हूँ अभी इसके लड्डू बनाने हैं या चटनी बनानी है, तो इनसे पूछ के पहले इसे भून तो लूँ, इसके छिलके निकाल लूँ, उसके बाद डिसाइड करेंगे इसकी चटनी बनानी है या लड्डू बनाने हैं। गाइज, मैंने ना अमेजोन से एक डिनर सेट मंगाया था क्रॉकरी यूनिट में रखने के लिए, तो वो इनको बोला है उसमें से निकालो और वो मुझे देंगे अभी, और वो लगाना है मुझे,
तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ कौन सा डिनर सेट है। तो गाइज ये है स्टैंड जो मैंने डिनर सेट रखने के लिए लिया है, लियोन का है और बहुत अच्छी क्वालिटी का रिसीव हुआ है यार। चीपेस्ट प्राइस में है बट बहुत अच्छी क्वालिटी का रिसीव हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह के एक दो और मंगाने वाली हूँ मैं। तो ये है वो डिनर सेट जिसमें स्पूंस मिले हैं, 6 स्पून मिले हैं, उसके बाद ये बोल्स मिले हैं, 6 बोल, 6 बड़े हैं, 6 छोटे हैं थोड़े दाल और सब्जी के लिए। और उसके बाद ये आप देखो, इसमें 6 बड़ी प्लेट्स है, 6 छोटी प्लेट्स है और उसके बाद 3 बोल्स है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे है। ये 3 बोल्स है, इसके बाद ये छोटी 6 प्लेट है और बड़ी 6 प्लेट है। ये जो 2 सर्विंग बोल्स है उस पर लिड भी रिसीव हुआ है और जो 1 सर्विंग बोल है उस पर लिड रिसीव नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये प्लेट सजा दी है और उसके बाद ये छोटी क्वार्टर प्लेट्स यहाँ पर सामने रख रही हूँ, उसके बाद बोल्स यहाँ पर रख रही हूँ, बड़े बोल्स पीछे और छोटे बोल्स आगे, तो ऐसे करके। और यहाँ पर स्पून भी रख दूँगी। और ये है 2 बोल्स जो सर्विंग बोल्स बड़े हैं और ये छोटा सर्विंग बोल है, और 2 सर्विंग बोल्स जो बड़े हैं ना उस पर लीड रिसीव हुआ है जैसे कि मैंने आपको बताया था। देखो अभी सबसे लास्ट वाली शेल्फ में ये रखा है डिनर सेट, कैसा लग रहा है ज़रूर बताना कमेंट करके। और मेरी जो किचन है उससे भी मैच हो रहा है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और ये स्टैंड भी ऑर्डर किया था मैंने, तो ये भी मतलब इसमें प्लेट्स आ जाती है। तो आपको दिखाती हूँ इस तरफ से, तो कुछ इस तरह से दिखता है इस साइड से और फ्रंट से कुछ इस तरह से दिखता है। कैसा लग रहा है ज़रूर बताना मुझे। गाइज एग्स छीलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो एक ट्रिक बताती हूँ जल्दी छीलने के लिए। तो बस आपको पतीले में एग्स रख देने हैं, उसके ऊपर ढक्कन रखना है और बस चेक कर लेना है। तो ऐसे करोगे जल्दी से एग्स जो है वो छिल जाएंगे। आप देख सकते हो कितने एफर्टलेसली इन एग्स को मैं छिल पा रही हूँ और बहुत अच्छी ट्रिक है ये। ट्राई करके ज़रूर देखना और कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि कैसे लगी आपको ट्रिक। और यहाँ पर बस एग्स को थोड़ा सा कट लगा लूँगी और उसके बाद उसे मुझे फ्राई करना है ऑयल में, और बस उसके बाद करी में डाल दूँगी और उसके बाद हम लोग अपना डिनर कर लेंगे। और यहाँ पर एग्स बॉयल करने के टाइम बहुत ज़्यादा छींटे उड़ते हैं, तो इस तरह से अगर आप ये ट्रिक फॉलो करते हो ना तो छींटे नहीं उड़ेंगे। ऊपर से इस तरह से लीड पकड़ लो और उसके बाद एक एक एग्स डालते रहो और लिड बंद करके आपको इस तरह से हिला लेना है ताकि एग्स पूरी तरफ से इवनली मतलब फ्राई हो जाए। और बस आपको अगर आप चाहो तो इस तरह से चम्मच से भी पलटा सकते हो, नहीं तो आप थोड़ा सा लीड से भी मतलब लीड लगा के भी आप थोड़ा सा हिला के वो एग्स अच्छे से सब साइड से मतलब पूरी साइड से वो फ्राई हो जाएंगे। और आप देखो इस तरह से फ्राई हो गए, हर कम ऑयल मैंने डाला था और उतना उतना ही बचा। और यहाँ पर बस मैं एक करी में डाल दूँगी और हमारी एक करी रेडी है, ऊपर से धनिया पत्ता डाल दीजिए। चलो डिनर तो बन गया है, अब डिनर करते हैं और देखते हैं टेस्टी बनी है सब्जी या नहीं बनी है, उसके बाद बताती हूँ आपको सब्जी कैसे बनी है। यहाँ पर पापड़ फ्राई कर रही हूँ, ये जो एग्स का ऑयल बचा था इसमें, इसी में पापड़ फ्राई कर रही हूँ। वैसे भून लेती हूँ बट अभी ऑयल बचा ही था तो मैंने सोचा चलो इसमें पापड़ फ्राई कर लेती हूँ। और हाँ, किसी ने पूछा था कि पापड़ आप कहाँ से लाते हो, तो पहले हम लोग डीमार्ट से लाते थे पापड़, लिज्जत के पापड़ लाते थे, बट ये जो पापड़ है अभी मैंने मायके से लाए हैं। मायके में सिंधी पापड़ मिलते हैं, सिंधी पापड़ बोलते हैं इसे, तो ये वाले लाया है। वहाँ पर मतलब नाम ही रखा है उसका इस पापड़ का, सिंधी पापड़ करके। तो मेरे मायके में भी यही पापड़ लाते हैं और मैं भी अभी यही लाने लगी हूँ वहाँ से। तो काफ़ी सारे पैकेट्स ले आती हूँ, एक बार जाती हूँ तो मतलब 3-4 पैकेट्स ले आती हूँ एक एक केजी के, तो काफ़ी दिन चल जाते हैं। दूसरी बार जाते हैं तो उस टाइम तक चल ही जाते हैं हमें ये।
चलिए गाइस, डिनर हो गया है और अभी सोने का टाइम है। इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप गाइस आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। आगे और मैंने नहाया कब? अभी आप तब शूट नहीं करी। अच्छा अच्छा, मैं शूट नहीं कर रही थी तब नहाया आपने? दोपहर में भी? दोपहर में या कब? अच्छा अच्छा, जब पापा आने के बाद और नहला दिया। बराबर है। और हाँ, क्या बोलने वाली थी भूल जाती हूँ मैं अद्विक की वजह से। बार बार वही दिखाते हो, बार बार एक ही चीज। और बोलो, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो, कमेंट को भी लाइक कर दो, कमेंट भी कर दो। हाँ तो मामा। और हाँ, इसके अलावा मेरे दो और चैनल है, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। हाँ, मैंने ये बार बार ये दिखाया तो फिर सुबह मैंने सुबह में वापस से मेरा स्पाइडरमैन का सूट दिखाऊंगा इनको। कितनी देर लगाते हो एक ही बात बोलने के लिए। तो मैं क्या बोलने वाली थी वो भी भूल गई अब। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेक जरूर कर लेना। इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो और आप दोनों चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। बाय, ध्यान रखना अपना।